मंदिर जाता हूं, मंदिर होने चाहिए, मंदिर भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व है, लेकिन 33 कोटि देवताओं के मंदिरों की तो हालत खराब रहे और केवल पत्थर के मंदिरों को पर ही हम ध्यान दें तो ये भक्ति नहीं दिखावा होता। भगवान व्यास जी को बहुत पहले इस बात का अनुमान था, इसलिए भगवान व्यास जी ने कहा कि गुर्जरे जीर्णता गता, वहां कंचन के पुजारी मिलेंगे, सोने के पुजारी मिलेंगे, सच्ची भक्ति नहीं मिलेगी। तो पड़ोसी का असर तो पड़ता है ना, कालिया के भरे दौड़ियों रेवे, रंग नहीं तो लखन तो लेवे ही लेवे, कहीं ना कहीं वही असर आया है। लेकिन हम भक्ति के प्रभाव से उस असर को बदलने की कोशिश करें। मैं आया भी इसी खातिर हूं मेरे भाई बहनों कि कुछ बदलाव आए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, चाहता हूं कि सिरोही की तस्वीर बदलनी चाहिए, हर घर में गौ माता की पूजा होनी चाहिए, हर चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कुराहट होनी चाहिए। मकान बड़े अच्छे हैं, बंगले बड़े अच्छे हैं, सड़कें सुंदर है, कपड़े आप लोगों के अच्छे हैं, लेकिन उदासी व्याप्त है। शहर से जब 1.25 किलोमीटर में जाता हूँ और आता हूँ 2 दिन से देख रहा हूँ, हर व्यक्ति के चेहरे पर उदासी है, कोई मुस्कुराता ही नहीं। इसी को बदलना हमारी इच्छा है, हमारी भावना है। तो भक्ति का क्षेत्र कर्नाटक था, इसलिए गुरु आज्ञा मान करके वो साधु कर्नाटक पहुंचे। नवरात्रि के शक्ति स्थल पर भक्ति के भाव से गुरु आज्ञा को ईश्वर आज्ञा मान करके, गुरुवाणी को ईश्वर वाणी मान करके और नवरात्रि का इंतजार करना प्रारंभ किया। जैसे नवरात्रि की प्रथम रात्रि आई मेरे भाई बहनों, गुरुदेव ने जैसा कहा वैसा ही चमत्कार हुआ। आंख लगी ही थी कि एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, ऐसा लगा सब स्वयंवरी आके सामने बैठ गए और शीश को सहला रहे हैं। कहा बेटा व्यथित क्यों हो, अनायास से मुख से निकला प्रभु जगत के दुखों को देख करके बड़ा दुखी हूं, नाथ कुछ करो। कहा बेटा मैंने दुखों को मिटाने वाली दाता गौ माता को सौंपा तो है। कहा प्रभु सौंपा तो है लेकिन कोई शरण नहीं लेता, कोई सेवा नहीं करता नाथ, सब लोभी लोग इकट्ठे हो गए हैं, गाय माता को केवल दूध का साधन मान रहे हैं, प्रभु कोई शरण में क्यों नहीं जाता, आप सबकी बुद्धि बदलिए ताकि लोग गौ की शरण ले। कहा बेटा मेरी अपनी मर्यादाएं हैं, मैं ऐसे बुद्धि नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ लोगों के हृदय में गाय माता के प्रति श्रद्धा भाव जगे, लोगों के हृदय में गौ माता के प्रति आदर भाव बढ़े, इसके लिए आओ बेटा मैं तुम्हें गाय माता की दुखहरणी महिमा सुनाता हूं। कहा प्रभु गाय माता सबके दुख मिटाएगी। कहा बेटा सबके तो नहीं पर सज्जनों के दुख जरूर मिटाएगी, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के तमाम दुखों को मिटाएगी। कहा प्रभु कैसे मिटाएगी। कहा बेटा जो जो अपने हृदय में मानव धारण भाव धारण करके गौ माता की सेवा करेगा उसके सभी दुख गाय माता मिटाएगी। कहा प्रभु मानव भाव का अर्थ क्या है। कहा बेटा इस शब्द में ही इसका अर्थ छुपा है, जिस व्यक्ति के जीवन में 9 माताओं की सेवा होगी वो मानव कहलाता है। नव का मतलब समझते हो ना आप, नवरात्रि होती है, नहीं होती है? नव दुर्गा होती है, नवरात्रि होती है, नव यानी 9, मानव, जिसके जीवन में 9 माता है वो मानव कहलाता है। और बेटा जो मानव बनकर के गौ की शरण में जाता है उसका तो जीवन जन्म मरण सब कुछ सफल हो जाता है, उसके चेहरे पर सदा मुस्कुराहट बनी रहती है, उसके चेहरे पर सदा आनंद बना रहता है, उसके सभी दुख तन मन धन जीवन के तमाम दुखों को गौ माता अपना बना करके उसको सुखी कर देती है, पर शर्त है वो मानव बने तो। और मानव कैसे बने, जिसके जीवन में 9 माता हो वो मानव। अब कईयों को तो यही पता नहीं कि 9 माताएं कौन सी है, शरण लेना तो दूर की बात है, 9 माताओं की सेवा करना तो दूर की बात है, कई लोगों को ये तक नहीं पता कि 9 माताएं होती कौन कौन सी है। वैसे तो 9 माताओं की चर्चा करने में मेरे भाई बहनों पूरे 2 दिन लगते हैं, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि 9 ही मिनट में मैं आपको 9 ही माताओं के बारे में संक्षिप्त तो बता दूं, लेकिन 9 मिनट तक हिलना डुलना छोड़ करके एकाग्र होकर सुनना, क्योंकि हमको जीवन भर दूध पिलाती। इस शब्द की उत्पत्ति भी मेरे भाई बहनों इसीलिए हुई है,
बकरी की जब बच्चा जन्मता है तो मेमी आता है, गोरी की जब बच्चा जन्मता तो हिरहिन आता है, कुतिया की जब बच्चा जन्मता तो भोंकता है, गधिया की जब बच्चा जन्मता है तो रेंकता है, शेरनी की जब बच्चा जन्मता तो दहाड़ता है, हथनी की जब बच्चा जन्मता तो चिंगारता है, स्त्रियों की जब बच्चा जन्मता है तो रोता है, भैंस के जब बच्चा जन्मता तो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सोता है, लेकिन गाय माता की जब बच्चा जन्मता है तो जन्मती के सबसे पहले बोलता है इस संसार में इस शब्द को सबसे पहले देने वाली गाय माता है, इसलिए गाय माता को प्रथम पद मिला है। हमारी जन्म देने वाली माता तो जब हमको जन्म दिया तो जन्म देके सो गई, संभाला किसने? दाई ने। नहलाया किसने? दाई ने। लेकिन गाय माता को देखना, वो जब अपने बच्चे को जन्म देती है ना, किसी गंदगी की परवाह नहीं करती, अपनी जीभ से चाट चाट के अपने बछड़े को पवित्र कर देती है। वो जन्म देने वाली माँ से भी बड़ी है, इसलिए प्रथम पद प्राप्त होता है माताओं में, पहली माँ गौ माता, दूसरी माता धरती माता, जननी जन्म भूमि स्वर्ग दपी विरियसी। ये धरती माता जन्म देने वाली माता से भी बड़ी है। थोड़ा आप जन्म देने वाली माताओं को अटपटा लग रहा होगा कि 9 महीना बोल तो माँ तो क्यों, और धरती कट्ठा से मोटी होगी तो था तो बोला क्यों मरिया तो के को नहीं तोड़ते। जन्म देने वाली माता 9 महीना दूध पिलाती है, लेकिन ये धरती माता की छाती में छेद करके हम जीवन भर जल पीते हैं कि नहीं पीते? इस माँ को हम कैसे कम मान सकते हैं सज्जनों? ये धरती माता बड़ी अद्भुत होती है। कोई भी छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में कितने दिन का हो तब तक गंदगी कर सकता है? 2-5 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का बच्चा गोद में गंदगी कर ले तब भी चल सकता है, लेकिन 5 साल का बच्चा अगर माँ की गोद में गंदगी करे तो करने देगी क्या? अगर वो माँ की गोद में गंदगी करे तो माँ उठा करके फेंक देती है तो मोटर ढीलो हो गए तो ये ठीक घर में कर रहे हो। सच बात है कि नहीं? वो मामा मामा कंस जैसी हो जाती है। लेकिन धरती माता पर जब से हम जन्मे हैं तब से इसी धरती पर तो मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं। क्या आपको सिरोही की इस पवित्र धरती ने कभी कहा कि अब बड़े हो गए जाओ पाकिस्तान जाके निपट के आओ? नहीं कहा ना। सारी जिंदगी हमारी गंदगी को भी ये जहर रही है। जिसका अन्न खा करके हम बड़े हुए, जिसका जल पी करके हम बड़े हुए, जिसकी छाती पर ठोकर मार करके हम बढ़ रहे, ये धरती माता हमारी दूसरी माता की श्रेणी में आती। अरे भगवान राम तो रहा हूं, थोड़ा मुझे इसके आचरण में रहने दे। और भाव में भर करके भगवान राम लक्ष्मण जी को बोलते हैं, अवधपुरी सम प्रिय नहीं हो, जो संतान को अपनी कोख में रखती है, खुद भूखी रह जाती है तो संतान को भूखा नहीं रहने देती है, खुद गीले में सोती है लेकिन अपनी औलाद को अपनी सूखी छाती पर सुला करके बड़ा करती है, रात भर संतान के लिए जागती है, औलाद सोने के बाद माँ सोती है, औलाद के जागने से पहले जागती है, अपना सर्वस्व संतान पर निछावर कर दे, उस जन्म देने वाली माँ को तीसरी माँ बताया। चौथी माँ गंगा माँ को बताया है, जिसकी पवित्र जल में मानव स्नान करता है। पांचवी माँ गीता जी को बताया है, गीता माँ। छठी माँ गायत्री माता को बताया है। सातवीं माँ महात्मा यानी कि गुरुदेव को बताया, माँ शब्द लगता है इसके पीछे भी महात्मा। आठवीं माँ अंतर आत्मा को बताया है, आत्मा इसके पीछे भी मां लगता है, और नवी मां परमात्मा उनके पीछे भी मां लगता है। इस प्रकार पढ़ने में भी माहिर हो जाता है। राम जी के पास क्या जादू था? गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा कि गुरुग्रह गयो पठल रघुराई अल्पकाल विद्या सबाई,
राम जी गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए अगर थोड़े दिनों में सारी विद्या प्राप्त कर ली, क्या जादू था। वो जब रवाना हुए उस समय अपने माथे को उन्होंने माता के चरणों में रखा था, इसलिए माँ को शीश पूरा झुका करके धरती पर रख करके प्रणाम करना चाहिए। फिर माँ को प्रणाम करने के बाद स्नान करने के लिए जाना चाहिए, सीधे स्नान करने नहीं जाना चाहिए। आजकल तो वो अटेज लेट बात होते हैं, पहले ही घुसेंगे और पूरा टूटे डोटे होकर निकलेंगे और फिर बाय मॉम और ये गया ये गया। माँ को ये नहीं पूछा कि माता जी पानी पियोगी को नहीं पियो, नहीं। स्नान करने के पहले माता को प्रणाम करना आवश्यक है, फिर चौथी माँ यानी कि गंगा माता से स्नान करना चाहिए, और वो भी कैसे, ताजा गंगा जल से स्नान करना चाहिए, कभी भी बासी गंगा जल से स्नान नहीं करना चाहिए। समस्या हमारी ये है, हरिद्वार में बस जाओ। एक तरफ तो महाराज आप कह रहे हो कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, हमको हमारी मातृभूमि से प्यार करना चाहिए, और दूसरी तरफ ताजा गंगा जल से स्नान करना चाहिए, तो दोनों में से एक हो सकता है, या तो हरिद्वार में जाके रोज नहाए तो ताजा गंगा जल से स्नान होगा, या फिर सिरोही में ही रहे, दोनों तो कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, गंगा जी जा तो नहीं सकते हो लेकिन गंगा जी को घर पे जरूर ला सकते हो। जो शक्ति राजा भगीरथ में है वो शक्ति आप में भी है, आप चाहो तो अपने घर पर गंगा जी ला सकते हो। कथा बहुत लंबी है लेकिन एक संक्षिप्त तरीके से बता देता हूं, आगे पूरी विस्तार से बताऊंगा लेकिन अभी इतना समझ लो। जानवी नदी गाय माता के मूत्र में भगवती गंगा जी का निवास होता है, इसलिए आप जब स्नान करो तो बाल्टी भर के पानी लो और उस पानी में आप एक अंजुली भर के गाय माता का गोमूत्र मिला दो, ये पूरी बाल्टी भरा हुआ जल आपका सिद्ध ताजा गंगा जल हो गया, और फिर आप उसको गंगा जी का ध्यान करके स्नान करो। स्नान करने के बाद आप गीता जी का अर्थ यहाँ पर शास्त्र से कोई भी एक शास्त्र का एक श्लोक अध्ययन कर ले, नहीं आता हो तो किसी से सुन ले। केवल गायत्री मंत्र बोलने से बात नहीं बनेगी, गायत्री माता के बारे में हमें जानना भी पड़ेगा, और कथा के मध्य में क्योंकि आज का तो समय पूर्ण होने जा रहा है इसलिए मैं विस्तार से नहीं बता सकता। याद रखना गौ से ही गायत्री है, मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ। आप फिर से गायत्री मंत्र कौन कौन जपते हैं हाथ खड़ा करो, दस पंद्रह भाई बहन नीचे कर लो। श्री राम शर्मा जी को गाय माता के गोबर में से निकले हुए जो के दाने जिमाए थे, तो जिस व्यक्ति को जब राजा विश्वामित्र राज ऋषि बन गए लेकिन उनके मन में सपना था कि मैं ब्रह्म ऋषि बनूं, तब वशिष्ठ जी महाराज ने उनको कहा था कि राजन गायत्री उपासना करो, और गायत्री उपासना के फल की विधि बताते हुए कहा कि गौ माता के गोबर में से निकले हुए अन्न का सेवन करके अगर तुम उसको छाछ में डाल के, उसकी भी विधि है कि गौ माता के गोबर में से जो दाने निकलते हैं उनको सुखा करके कूट के गाय माता की छाछ में डाल करके पी करके अगर कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का नित्य जाप करता है तो वो अल्प दिनों में ही, कुछ दिनों में ही गायत्री सिद्ध हो जाता है।